गुड मॉर्निंग कमांडो, क्या हाल चाल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का वो टॉपिक जहाँ तक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज है 26.1, ये क्लास 11th का वॉल्यूम 2 है केसी सिन्हा का, और उसी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने पढ़ रखा है, बना लिए थे। आज कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बना करके इस चैप्टर को हमें क्लोज करना है। एक्सरसाइज 26.1 का ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको f'4 निकालना है। तो आपको बताए थे शॉर्टकट में कि RHD का फॉर्मूला लगा करके इसको हम बना सकते हैं। तो लिखते हैं कि वी नो दैट f'4 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो f4 प्लस एच माइनस f4 अपॉन प्लस एच f4 प्लस एच fa प्लस एच माइनस fa बाई प्लस एच। सभी के वैल्यू को हमें मूल फंक्शन में ही डालना है। जैसे ये 4 प्लस एच भी यहाँ x के जगह पर जाएगा, तो ये होगा 4 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 7 इंटू 4 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 प्लस एच माइनस 9। तो ये हो गया आपको f4 प्लस एच माइनस f4। तो ये 4 भी आपको इसी में x के जगह पर जाएगा, तो 4 क्यूब यहां पर हो जाएगा 7 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 माइनस 9। तो ये हो गया आपको f4। और नीचे में तो ये h आपको है ही। अगर ऊपर में इसको फॉर्मूला पर ब्रेक करें तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपको हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें आइए फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये आपको ब्रैकेट ओपन अगर कर लें तो ये 8 इंटू 4, और इसमें अगर करेंगे तो ये होगा 8 इंटू h, और बगल में आपको माइनस 9 है ही। इसको ब्रेक किए हैं a प्लस बी के होल क्यूब पर, तो यहाँ लिखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट ओपन किए हैं 8 का मल्टीप्लाई 4 से, 8 का मल्टीप्लाई h से, और बगल में आपको माइनस 9 तो है ही। यहाँ भी अगर ब्रैकेट को ओपन कर लें तो माइनस 4 क्यूब माइनस 7 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4, और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। और सबके नीचे में आपको ये h है ही, 4 क्यूब माइनस में 4 क्यूब प्लस में कैंसिल होगा, 7 इंटू 4 स्क्वायर माइनस में, और यहां जो ब्रैकेट ओपन करेंगे 7 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये पहला टर्म कट जाएगा, 8 इंटू 4 माइनस में और 8 इंटू 4 प्लस में कैंसिल होगा, ये प्लस 9 है और ये माइनस 9 है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो बच रहा है ऊपर में उसको अगर लिखें तो ये बच गया आपको एच क्यूब, ये 48h, बगल में यहाँ पर हो जाएगा आपको 12h स्क्वायर, 7 इंटू h स्क्वायर होगा। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे इसको करेंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 56h हो जाएगा, 56h होगा। ये 8h है ना, और 8h को 7 से गुना करेंगे तो 56h होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टर्म बच रहा है प्लस 8h करके, तो उसको लिखेंगे प्लस 8h, और बाकी का जो टर्म आप देख रहे हो तो सब कैंसिल ही हो गया है, और सबके नीचे में आपको है h। इसके बाद अगर देखें तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये आपको h क्यूब है। इसके बाद अगर स्क्वायर को देखें तो 12 7 19 हो जाएगा, 19h स्क्वायर है। इसके बाद h को अगर देखें 48 और 56 को आप अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14,
और इधर हो जाएगा 5 4 9 1 10, 104H होगा। और बगल में सॉरी बगल में एक H और है 8H, तो उसको भी अगर इसमें आप कर देते हैं तो ये आपको हो जाएगा 112H हो जाएगा। और नीचे में तो आपको H है ही, यानी 48 और ये 8, 56 और 56 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपको 112H हो जाएगा और नीचे में आपको H है। तो अगर इस H से सब में डिवाइड कर दें या ऊपर में H कॉमन लें, एक ही चीज़ हुआ कि मान लीजिए ऊपर से H अगर कॉमन लेते हैं तो एच स्क्वायर प्लस 19H प्लस 112 हो जाएगा और नीचे में आपको H है ही, तो ये कैंसिल होगा ना। तो बाकी में अगर H का वैल्यू 0 डाल दें तो दो टर्म अगर हट जाएगा तो एक टर्म बचेगा, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 112। तो यही आपको आंसर हुआ कि आपको F-4 पूछ रहा था कि F-4 क्या होगा, तो F-4 का वैल्यू हो जाएगा 112। क्वेश्चन नंबर अगर 17 को देखें तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx और इसका DC f'5 दिया हुआ 97, तो आपको k का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर जो kx² में ये k छोड़ दिया है, तो सबसे पहला काम f'5 हमें निकालना है। लिखेंगे एट फर्स्ट f'5 अगर निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f5 प्लस h माइनस f5 बाई प्लस h, fa प्लस h माइनस fa बाई प्लस h। सबका वैल्यू हमें डालना है इसके फंक्शन में, ये 5 प्लस h x के जगह पर जाएगा, k इंटू 5 प्लस h का होल स्क्वायर, 7 इंटू 5 प्लस h माइनस 4, ये वैल्यू हुआ किसका था f5 प्लस h का माइनस f5। तो ये 5 का वैल्यू भी जाएगा इसी में, k इंटू 5 स्क्वायर, 7 इंटू 5 माइनस 4 हो जाएगा और नीचे में तो आपको h है ही, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0। अगर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस 7h और बगल में माइनस 4 है ही। यहाँ भी अगर ब्रैकेट को ओपन करें, k इंटू 5 स्क्वायर माइनस 35 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 होगा ना। उसके बाद आपको नीचे में, तो नीचे में तो h है ही, ये वाला h, ब्रैकेट को यहाँ भी ओपन कर लेते हैं, तो ओपन अगर करेंगे एक चीज़ देख लेते हैं, ये प्लस 35 और माइनस 35 कैंसिल हो रहा है और ये माइनस 4 प्लस 4 भी कैंसिल हो रहा है। अब जो टर्म बच गया है इसके ब्रैकेट को ओपन करिए, तो 25k यहाँ पर होगा 10 इंटू के एच, यहाँ पे के एच स्क्वायर होगा, बगल में यहाँ पर 7h है ही और यहाँ पर माइनस के इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25 है ये, यानी कि 25k हो गया, ये 25k हो गया और नीचे में तो आपको h है ही, ये वाला h। k से ब्रैकेट को ओपन कर लिए तीनों में, ये 7h है और ये 5 स्क्वायर 25k है आपको, तो ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में, कैंसिल हो गया। बाकी से h कॉमन लीजिए तो ये आपको हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो h अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 10k, h कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा k h, h कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और नीचे में तो h है ही, यहाँ से h निकल गया तो 10k, यहाँ से h निकलेगा तो kh, यहाँ से h निकलेगा तो 7 और नीचे में तो h है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर h का वैल्यू 0 डाल दें तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो ये टर्म अगर 0 होगा तो यहाँ पर 10k प्लस 7 बच जाएगा, यानी f'5 का वैल्यू कितना निकल गया, 10k प्लस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
कि एफ डैश फाइव जो है इसका वैल्यू है आपको 97, ये बुक में ही दिया हुआ है एफ डैश फाइव का वैल्यू 97, और एफ डैश फाइव हमने निकाला है कितना 10k + 7 इज इक्वल टू 97। तो k का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण ना हो गया ये, तो 7 उधर जाके घट जाएगा तो 90 होगा, और k निकालेंगे तो 10 से डिवाइड होगा तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब k का वैल्यू कितना होगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर अगर 19 देखें, 19 नंबर का, तो आपको यहाँ कंडीशन बांट करके जो है दिया हुआ है और आपको एफ डैश टू मांग रहा है। तो लिखेंगे एफ डैश टू का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन प्लस करके ही लगाइए आर एच डी का लगा देते हैं फॉर्मूला। वैसे अगर यहाँ माइनस एच लगाएंगे तो नीचे भी माइनस एच आपको लगाना पड़ जाएगा, तो प्लस करके लगाइए या माइनस करके लगाइए, कोई एक ही लगा लीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो करते क्या है आप सो देखिए, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो टू प्लस एच, देखिए यहाँ पर कंडीशन को पकड़ना पड़ेगा, टू प्लस एच का मतलब होता है दो से बड़ा, टू प्लस एच मीन्स दो से बड़ा, तो डज नॉट इक्वल टू जो होता है इसमें दो कंडीशन, बड़ा वाला भी छोटा वाला भी, इसीलिए इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है ये, इसमें एक्स के जगह पर टू प्लस एच डालना है ऊपर भी और नीचे भी, तो ये होगा टू प्लस एच माइनस टू अपॉन टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस एच प्लस टू, ये वैल्यू हुआ एफ टू प्लस एच का। अब बगल में है माइनस एफ टू, तो एफ टू का मतलब हो गया एक्स और टू इक्वल हुआ, तो x और 2 अगर इक्वल हो जाए तो वैल्यू कितना 1, तो ये 1 यहाँ पे जाएगा, तो ये ऊपर का टर्म अभी हुआ है और नीचे में तो h है ही, तो अब ये नीचे में जाएगा। f 2 प्लस h निकालने के लिए हमने चूज किया बड़ा वाला फंक्शन, बड़ा वाला कंडीशन, बड़ा वाला कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन में x के जगह पर 2 प्लस h डाल दिए जहाँ जहाँ है, माइनस एफ टू, तो एक्स अगर 2 के बराबर है तो वैल्यू कितना 1, तो ये एफ टू हो गया और नीचे में एच है ही। अब अगर इसको ऊपर में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये माइनस टू प्लस टू तो कैंसिल होगा, तो यहाँ एच बचेगा, नीचे में क्या करते हैं इसका लगा देते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस थ्री एच, और बगल में 2 है ही और बगल में माइनस वन आपको रहेगा ही और नीचे में आपको एच है ही। तो और अगर देखें यहाँ पे तो ये 4 और 2 ये दोनों हो गया 6 और ये माइनस सिक्स, तो ये दोनों मिल करके इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ जो टर्म आपको बच रहा है वो टर्म बच रहा है ऊपर में एच और नीचे में 4h माइनस 3h, तो h प्लस एच स्क्वायर और बगल में माइनस वन तो है ही और नीचे में आपको h है ही। तो एलसीएम अगर लें यहाँ पे, या आप इस h को कॉमन लेके आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आपको आएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो h बाई, नीचे से अगर h कॉमन लें तो ये 1 प्लस h होगा और बगल में माइनस 1 है ही और नीचे में h है ही, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होगा 1 प्लस एच, क्योंकि इस 1 के नीचे में नहीं कुछ तो क्या 1 है ना, तो 1 प्लस एच का और 1 का एलसीएम होगा 1 प्लस एच, ये 1 प्लस एच ऊपर जाएगा, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 माइनस 1 प्लस एच होगा और नीचे में आपको ये एच है ही, तो ये नीचे का एच नीचे में मल्टीप्लाई होगा। ऊपर में क्या करना है, इसके ब्रैकेट को ओपन करना है, 1 माइनस 1 माइनस एच, 1 माइनस 1 माइनस एच, ये h नीचे में मल्टीप्लाई होगा तो h इंटू वन प्लस एच होगा, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा। अब अगर ये h को भी आप कैंसिल करते हैं तो ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ माइनस वन होगा और ये नीचे में आपको वन प्लस एच है, तो h का वैल्यू ज़ीरो अगर यहाँ कर दें तो माइनस वन बाय वन होगा जो कि माइनस वन हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा था फाइंड एफ डैश टू, तो एफ डैश टू का वैल्यू जो है ये माइनस वन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखें, ये आपको फिजिकल टाइप का क्वेश्चन दे दिया है कि आपको एक एस टी दिया हुआ है, मतलब एक जो है डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस जो होता है
वो टाइम के फंक्शन में आपको दिया हुआ है एस टी करके टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8, मतलब टी टाइम में जो कोई पार्टिकल मूव किया है, चला है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको एक फंक्शन के रूप में वो दिया हुआ है एस टी करके, और आपको 3 सेकेंड के बाद जो है स्पीड पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज जो होता है उसके डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है पर सेकेंड, वो हमें निकालना होता है। तो कैसे हम इसका स्पीड निकालते हैं, सो देखिए, इसका स्पीड का मतलब हो गया कि हमें एफ डैश थ्री चाहिए, और एफ डैश थ्री का मतलब हो गया यहाँ पर एस है ना, हमें एस डैश थ्री चाहिए, यानी कि एस डैश थ्री चाहिए, इसका डीसी चाहिए, फंक्शन का डीसी ही, डिस्टेंस का डीसी ही उसका स्पीड बन जाएगा, जिसको कि हम लोग स्पीड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एस डैश थ्री निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एस थ्री प्लस एच माइनस एस थ्री अपॉन प्लस एच, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। एस बोलते हैं एफ ए प्लस एच, तो एफ का काम यहाँ एस कर रहा है, तो एस थ्री प्लस एच माइनस एस थ्री बाई एच, तो ये आपको हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एस थ्री प्लस एच, तो ये थ्री प्लस एच यहाँ पर टी के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस एच का होल स्क्वायर 6 × 3 + h + 8 माइनस एस थ्री, तो ये थ्री अगर डालेंगे इसमें तो थ्री स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, थ्री डालेंगे इसमें कितना हो जाएगा 18, और बगल में तो आपको प्लस 8 है ही, और नीचे में आपको ये h है ही। अगर इसका आप ब्रैकेट ओपन करें ऊपर में, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² माइनस 18 माइनस 6h + 8 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 8, और नीचे में आपको h है ही, ये माइनस 9 ये प्लस 9 कैंसिल होगा, ये माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल हो गया, और ये प्लस 8 और ये माइनस 8 आपका कैंसिल हो गया। तो बाद बाकी जो बच गया है वो देखिए 6h प्लस में और 6h माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो गया, आपको ये h स्क्वायर है और नीचे में h है, तो जब इससे कैंसिल करेंगे आपको तो ये h बचेगा, और h जब आप देखेंगे h टेंस टू ज़ीरो हो रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 0। एक्सरसाइज 26.1 में कुछ क्वेश्चंस और बचा हुआ है जो कि आप लोगों को खुद से बनाने का कोशिश करना है, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से हमें आप बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।